رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. आसियों को हो मुबारक माह रमजान आ गया। आसियों को हो मुबारक माह रमजान आ गया, लेके अपनी गोद में बख्शिश का सामा आ गया। हम सियाकारों पे माइल आज रहमत हो गई, हम सियाकारों पे माइल आज रहमत हो गई, सूरत रमजान तबीब मर्ज इसियां आ गया। गो सुकूने हर मुसलमान बन गया है ये मगर, चश्म शैतान के लिए खारे मुगेला आ गया। जिस महीने में हुआ अक्सर किताबों का नुजूल, वो मुकद्दस वो मुबारक माह रमजान आ गया। जिसके रोजे ढाल हैं दोजख से बचने के लिए, मरहबा सद मरहबा वो माह रमजान आ गया। काबिल एहतराम सदर साहिबा और इज्जत माँ, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दुनिया की खिलाफत और इमामत के लिए मबऊस फरमाया है। वनजअलुहुम अइम्मतन वनजअलुहुमुल वारिसीन, हमने उन्हें दुनिया का इमाम और उन्हें वारिस बना दिया। जो मिल्लत दुनिया की इमामत और खिलाफत के लिए मबऊस की गई है, उसको आम इंसानों की तरह यूं ही नहीं छोड़ दिया गया, बल्कि इस जलील कदर मनसब पर सरफराजी के लिए उन पर सालाना खसूसी रूहानी तरबियत को लाजिम करार दिया गया। असल हाजिर की ये तरक्की याफ्ता दुनिया माहिरीन, फंदानों, प्रोफेशनल्स, बासलाहियत और तजुर्बेकार अफराद से चलती है। जिस तरह गैर तरबियत याफ्ता, ना तजुर्बेकार, नीम तालीम याफ्ता लोग इस दुनिया का इंतजाम नहीं चला सकते, इसी तरह खिलाफत और इमामत की अजीम जिम्मेदारी बगैर किसी तज़किया नफ्स और रूहानी तरबियत के मिल्लत का कोई फर्द इस बारे अमानत को नहीं उठा सकता है। खैर उम्मत और मुस्लिह आलम के लिए अशद जरूरी है कि वह आम इंसानों और दूसरे गुमराह कमजोर मजहबों के मानने वालों से कहीं ज्यादा बेहतरीन और सख्त तरबियत याफ्ता हूं। दीनुल्लाह के अलमबरदार, साइंसी उलूम और मादी तरक्की से भरपूर दुनिया के प्रेशर में, दुनिया के लालच और रंगीनियों में, शैतान की फरेब नफसानी ख्वाहिशात के तेज तूफानी बहाव में बह न जाए, बल्कि एक ऐसी तरबियत से गुजरे जिसमें नफ्स का तज़किया भी हो और रूह की बालिदगी भी हो, वसवसाए शैतान का खात्मा भी हो, नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल भी, और अल्लाह से रुजू और रब से ताल्लुक भी मजबूत हो। यही इनफिरादी और इज्तिमाई तरबियत रमजान के रोजों और इबादत की है। रमजान का महीना बनी नौए इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नियमत उज़्मा है। रोज़ा इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज किया है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए। मुअज़्ज़ज़ सामियात, कुरान में असल इस्तिलाह सौम और सियाम की इस्तेमाल की गई, जिसके उर्दू में माना रोज़े के हैं। रमज़ान के रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज किए गए। अल्लाह ताला ने हर ईमान वाले के लिए रोज़े के ज़रिए रूहानी, जिस्मानी, नफसानी तरबियत को लाजमी करार दिया है और तज़किया नफ्स, तक्वा और परहेजगी हासिल करने का हुक्म दिया।
रोजे में एक माँ की मुसलसल तरबियत, नफ्स को शैतान की जकड़बंदियों से आजाद करके बंदा अपने ख्यालात व अमाल, दौड़ धूप, पसंद और नापसंद, उम्मीद और तवक्कोआत को मासियात, गुनाहों, मुनकरात, मनहियात, रजाइल अखलाक को दूर करके तकवा और परहेजगारी और खालिस अल्लाह की रजा के लिए तैयार करता है। मोमिनों का सबसे बड़ा सरमाया खौफ खुदा, तकवा और परहेजगारी है। जिस तरह किसी इंजन के लिए पावर और फ्यूल अशद जरूरी है और कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, इसी तरह ईमान को ईमान की शम्मा रोशन रखने के लिए तकवा और परहेजगारी बेहद जरूरी है। अल्लाह का खौफ और उसको खुश करने का जज्बा जब तक दिल की गहराइयों में नहीं उतरता और ईमान और यकीन कामिल और तवक्कुल के साथ कल्ब और ज़हन अल्लाह के खौफ और याद इलाही में नहीं डूब जाता, उस वक्त तक एक मोमिन के पुख्ता ईमान की जमानत नहीं दी जा सकती। जन्नत के लिए कुरान और हदीस ने अल्लाह की खुशनूदी को लाजमी करार दिया है। जिस किसी ने ईमान, इहतिसाब, इन्हिमाक, खशियत इलाही के साथ रोजे रखे, वो दुनिया में बज़ाहिर कामयाब हो या ना हो, लेकिन उसे आखिरत की फलाह और नजात जरूर हासिल होकर रहेगी। इंसान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल तर और मशक्कत वाला काम भूख और प्यास को बर्दाश्त करना और जब्त नफ्स है। अकल इस्तेदाद और कुदरत रखते हुए अपने आप को उन हदूद में मुकैद रखना जिससे नफ्स पर कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान की तरबियत, जहन, बदन, कल्ब और नफ्स के लिए जो उसूल और अहकाम इनायत किए हैं और हराम और मुनकरात, मनहियात, हवाए नफ्स और ख्वाहिशात से बचने के लिए जो इबादत फर्ज की है वो रोज़ा है, जो रहमत, सआदत और रूहानियत से भरपूर है। बंदे मोमिन 11 महीनों में इतनी सिफात हमीदा अपने अंदर पैदा नहीं कर सकता जितना रमजान मुबारक में बआसानी कर सकता है। कौन सी ऐसी सिफत मोमिन है जो रमजान में पैदा नहीं होती, और कौन सी ऐसी तरबियत रूहानी है जो सियाम क़याम रमजान से हासिल नहीं होती? तकवा और परहेजगारी हासिल करने का सीधा रास्ता रोजा है, जिसके जरिए मोमिन अल्लाह की रजा और खुशनुदी को तलाश करता है। अजीजात, अल्लाह ताला ने कायनात के जर्रे जर्रे को जिस तरह एक मरकजी नज़्म और कंट्रोल में रखा है, इसी तरह रमजान मुबारक की इबादत का भी 24 घंटे लैल और नहार एक पूरा मरबूत नज़्म रखा है। सहरी से लेकर इफ्तार तक रोजा, फिर कुछ देर बाद फर्ज नमाज, फिर क़ियामुल लैल, चंद घंटे नींद और आराम के बाद तहज्जुद की तवील नमाजें, वितर, कुनूत नाज़िला, दिन में क़िरात व तिलावत कुरान, तफहीम व तालीमुल कुरान, दर्स कुरान, समात कुरान, तहफीज कुरान, अज़कार, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, तआमुन मसाकीन, तकसीमुल मलाबिस, इआनत ज़ईफ़, खैर और इस्लाह के कामों में इन्हिमाक व अहतमाम, रमज़ान के आखिरी दहे में एतिकाफ़, लैलतुल क़द्र की ताक रातों में खुशू और खुजू के साथ इबादतें, अज़कार, तौबा और इस्तिग़फ़ार जारी रहता है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तक्वा, तत्तवुर, पाकीज़गी, हसनात, सालिहात, खैरात से बहरामंद हो। तौफीक, रहमत और सआदत की बारिश और फ़ुयूज़ और बरकात की नदियाँ मासियात, गुनाहों, मुनकर से भरे सूखे दिलों और चटियल जहनों, जामिद जिस्मों को सैराब करके क़ुलूब में तक्वा और परहेजगारी और खौफ इलाही की फसल उगा देती है। ये खालिक कायनात ही बेहतर जानता है कि चींटी के लिए फरहत बख्श गिज़ा कौन सी है और शेर के लिए क़ुव्वत बख्श शिकार कौन सा है। ठीक इसी तरह वही बेहतर जानता है कि तज़किया नफ्स और तरबियत इंसानी के लिए कौन सी रूहानी इबादत ज़्यादा मुनासिब है और रूह की बालिदगी और तक्वा के लिए कौन सा वक्त और महीना मुनासिब है।
रमजान मुबारक का महीना सिर्फ आम गर्दिश अय्याम व तक़वीम के अतबार से आने और जाने वाला महीना नहीं है, बल्कि रूहानी और रहमानी अतबार से मुजमल और मुकम्मल महीना है, जो हिदायत, तौफीक, बख्शिश, मग़फ़िरत, एहसान और करम से भरपूर है। रोज़ेदार की अवलीन जिम्मेदारी है कि वह इन ज़रीन मुबारक और मसऊद मौक़ों को ज़ाया ना होने दे, बल्कि अपने सियाम, क़ियाम और रमज़ान को ज़ोहद, फजीलत, रुजू, तौबा, अजर और जज़ा का महीना बनाए। إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाकीज़गी अख्तियार करने को पसंद करता है। साइम की अवलीन सिफत यह है कि अपने गुनाहों, गलतकारियों से तौबा करे और अपनी तमाम इबादत रमज़ान अल्लाह की रज़ा के लिए मुख्तस कर दे, अल्लाह का खौफ, तत्वा और तकवा इख्तियार करे और रज़ा इलाही के दायरे में अपने आप को साबित कदमी के साथ कायम रखे। साइम की दूसरी अहम सिफत यह है कि कुरान करीम में जितनी सिफात मुसलमान की गिनाई गई हैं उनको एक एक करके अपने अंदर पैदा करे। अल्लाह ताला ने कई मकामात पर कुरान करीम में मुख्तलिफ अंदाज में सिफात बयान फरमाई हैं। الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، सब्र करने वाले और सच्चे, हुक्म बजा लाने वाले, खर्च करने वाले, बख्शिश मांगने वाले रात के आखिरी हिस्से में। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में मोमिन की पांच खुसूसी सिफात को बयान फरमाया है: सदाकत, सच्चाई, सब्र, फरमाबरदारी और इन्फाक, कि मोमिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले होते हैं, रात के आखिरी हिस्सों में उठकर तहज्जुद में बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं। दोस्तान इस्लाम, सारे आलम की मुसलमानों के लिए रमज़ान मुबारक नेकियों का एक ऐसा मौसम है जिसमें इनफरादी तरबियत, नफ्स और तक़वा के साथ साथ इज्तिमाई इबादत की शक्ल में मिल्लत में नज़्म और डिसिप्लिन पैदा होता है। रमज़ान मुबारक में रोज़े, तरावी, तहज्जुद, सदक़ात, एतकाफ जितनी इनफरादी इबादत हैं उससे कहीं ज़्यादा ये इज्तिमाई नौयत के भी हैं। उसका एक सिस्टम और मुकम्मल और मुफसल प्रोग्राम है जिसको अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ अमली तौर पर कायम किया। रमज़ान मुबारक का रहमान नज़म तोड़कर कोई ना रोज़े के औकात बदल सकता है और नयाम में तब्दीली, कमी और ज्यादती कर सकता है। दुनिया के मुख्तलिफ खितों में कितना ही सख्त या खुशगवार मौसम हो, रातें तवील हो या दिन छोटे हो, या दिन तवील रातें छोटी क्यों ना हो, हर हाल में रमज़ान का जो रहमानी नज़म है उसकी पाबंदी लाजमी है। हिलाल रमज़ान देखकर रोज़ा शुरू करो और दूसरे महीने शव्वाल का चांद नजर आने तक रोज़े रखते रहो। शुरू से पहले सहरी और गुरूब के बाद इफ्तार, रात के आखिरी हिस्सों में तहज्जुद के औकात मुतय्यन कर दिए गए हैं। इस रहमानी नज़म में रमज़ान पर दुनिया हैरान है। 1 बिलियन मुसलमान इस तरतीब व नज़म इबादत रमज़ान में गफलत नहीं बरतते और ना ही कभी कोई तफावत या इलाकाई, लिसानी, तहजीबी, मुआशरती तौर पर जज्वी और कुल्ली तब्दीलियाँ नजर आएंगी। इंडोनेशिया का मुसलमान तहज्जुद कभी दिन के वक्त नहीं पढ़ता और न दुनिया के दूसरे कोने में बसने वाले बोसीना के मुसलमान तरावी के बाद इफ्तार करते। अलास्का से लेकर जजाय, जावा और बरूनी के छोटे छोटे घर में सहर और इफ्तार का एहतमाम होता है। दुनिया की तमाम मसाजिद में तरावी आखिरी दही में लैलतुल कद्र का एहतमाम होता है। दुनिया के हर हिस्से में वही खुलूस, खशियत और इबादतों का इन्हिमाम मिलेगा जो हरम मक्की में पाया जाता है। जमा व मकान की तब्दीली के बावजूद गायत व मकसद, तरीक़ा व नहज, औकात व तरतीब, रब्त व ज़ब्त में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं पाएंगे। रमज़ान के रोज़े और इबादतों का प्रोग्राम अल्लाह ताला का तरतीब दिया हुआ है। जिस तरह क़ुरान की आयत और हरूफ में सारी दुनिया में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा और तहरीफ नहीं पाई जाएगी, इसी तरह रमज़ान मुबारक की इबादत व अमाल में
कोई फर्क व तब्दीली नहीं मिलेगी। ये माह खैर व बरकत, नेकियों, फजीलतों, सआदतों वाला करार दिया गया है। इस माह में कुरान करीम नाजिल हुआ, इंसानियत को अजीम तोहफा नूर हिदायत दी गई। इस मुबारक व मसऊद महीने में सारी दुनिया रूहानी आलमी देहात यानी ग्लोबल स्पिरिचुअल विलेज में तब्दील हो जाती है, क्योंकि पूरी मिल्लत इस्लामी आलमी इज्तिमाईयत के साथ बयक वक्त हमदन रुजू अल्लाह की तरफ मायल हो जाती है। सआदतों के नुज़ूल की वजह से हर कोई ईमान की हलावत महसूस करता है, शैतान की तमाम सरगर्मियां ठप पड़ जाती हैं और उसकी शरारतें मुकय्यद कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से नेकियां फरोग पाती हैं और बुराइयां और गुनाह कम से कम होते हैं। रमजान मुबारक में एक नेकी का अजर सवाब 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। रोजे रमजान से इंफिरादी, आयली और इज्तिमाई रूहानी कुव्वत और पाकिजगी हासिल होती है। सारी मुस्लिम सोसाइटी इबादत और नेकियों के लिए जस्तजू करती है। खैर के इतने बड़े पैमाने पर काम होते हैं कि ज़कात, सदक़ात, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह से गरीबों की मदद होती है। यतीम, मिस्कीन, असीर, मुहाजिर, मुसीबत ज़दा, मज़लूम व महरूम, हर शख्स के लिए रमज़ान में रहमतों की बारिश होती है। मिल्लत का आला, मुतवस्सित और कमज़ोर तबका रमज़ान की बरकतों से किसी न किसी तरह से मुस्तफ़ीद होता है। रमजान की नज़ीर मुबारक सारे आलम इस्लाम को खुशगवार कर देती है। मोहतरम माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने रोज़ों को फ़र्ज फरमाकर मुसलमानों पर खुसूसी एहसान फरमा दिया है और एक ऐसी इबादत का हुक्म दिया जो रमज़ान में हर रोज़ घंटों जारी रहे, और फिर इंसान अपने रोज़मर्रा की दुनियावी कामों के साथ साथ नफ्स, बदन और रूह की तरबियत से गुजरते हुए सआदत, फजीलत, बरकत और रहमत का हकदार बन जाए। सैर से इफ्तार तक गिज़ा और नफसानी ख्वाहिशात से इज्तनाब करते हुए खौफ, रग़बत और रहमत इलाही के जरिए तत्वो, खुशु और तक्वा इख्तियार करे। माह रमज़ान की अहमियत का इल्म ना होने की वजह से अक्सर फर्ज रोज़ों के अहतमाम की हद तक रमज़ान को महदूद कर दिया जाता है, जबकि रमज़ान मुअज़्ज़म कई मसनून इबादतों और आमाल खैर पर मुहीत है। माह रमजान की दो बुनियादें हैं, सियाम यानी फर्ज रोजे और लैलतुल कद्र। मुस्तहबात रमजान चार हैं, सलातुल लैल यानी तरावी, वितर, तहज्जुद, दूसरे एतकाफ, तीसरी सदका फितर और चौथी ईदुल फितर। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने चार आयतों में रमजान से मुताल्लिक 8 बुनियादी अहकाम नाजिल फरमाए हैं, जो रमजान रोजे की असल दी गई फिक्र और रूह है। रमजान करीम की सबसे अहम खसूसियत यह है कि इस माह में कुरान करीम नाजिल हुआ। इरशाद बारी ताला है, शहर रमजान الذي انزل فيه القران। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। दूसरा हुक्म रोजे की फर्जियत के मुताल्लिक है। इरशाद बारी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। तीसरा हुक्म मुद्दत सियाम की बाबत है। इरशाद फरमाया, फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फलियसुम। बस तुम में से जो इस महीने को पाए तमाम रोजे रखे। चौथा हुक्म औकात सियाम के बारे में है, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ। खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह की सफेद धारी रात की सियाह धारी से नुमाया हो जाए, तब रात तक अपना रोजा पूरा करो। पांचवा हुक्म रुख्सत सियाम के बारे में है, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ। और जो बीमार हो या मुसाफिर हो वो दूसरे की दिनों में गिनती पूरी कर ले। अल्लाह ताला ने तीन लोगों को रोजे से रुख्सत दी है, एक मरीज, दूसरे मुसाफिर, तीसरे गैर मुतहरा औरत। और रुख्सत दो तरह की है, कज़ा, इरशाद बारी है,
فعدتهم من ايام اخر, بعد میں قضا پوری کر لی جائے, یعنی چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بعد میں پوری کر لی جائے. دوسری رخصت فدیہ, ارشاد باری ہے فدیت طعام مسکین, مسکین کو کھانا کھلائے, یعنی ایسے مریض اور مسافر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ مسکین کو کھانا کھلائے. چھٹا حکم کے بارے میں ارشاد ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, دوسری جگہ ارشاد ہے ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. ساتواں حکم رمضان سے متعلق یہ ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے. ارشاد باری ہے لعلکم تتقون, شاید کہ تم میں تقوی پیدا ہو. دوسری جگہ ارشاد ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر له, تقوی طلب کرو گے اور تلاش کرو گے تو یہ تمہارے لیے خیر ہے. صیام, قیام, اعتکاف, لیلۃ القدر اور عبادات کا اصل مقصد تقوی پیدا کرنا ہے. آٹھواں حکم رمضان سے متعلق یہ ہے کہ رمضان اللہ کو پکارنے اور دعا مانگنے کا مہینہ ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فإني قریب اجیب دعوة الدع اذا دعانی فلیستجیبوا, میں قریب ہوں اور قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا جب وہ مجھ سے مانگے. معلوم ہوا کہ ماہ رمضان اللہ کو پکارنے, دعائیں کرنے اور توبہ و استغفار کا مہینہ ہے. معزز سامعات, رمضان مبارک, روزے, شب قدر کی اہمیت اور فضیلت اور سعادت و برکات کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کیا جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. دوسری جگہ ارشاد ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام اللیل کیا, یعنی راتوں میں نمازیں پڑھی اور عبادت کی, اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے. ارشاد نبوی ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایمان و احتساب کے ساتھ کوئی روزے رکھے اور پھر راتوں میں قیام اللیل کا اہتمام کرے, اور لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری دہے کے پانچ طاق راتوں میں رکھی گئی ہے, نمازیں پڑھیں اور عبادت کریں. نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف, ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے, یہاں تک کہ ایک نیکی 10 گنا اور 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے. دوسری جگہ ارشاد ہے قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ, کہ اللہ تعالی فرماتا ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. ارشاد نبوی ہے يدع شهوته وطعامه من اجل للصائم فرحتان, فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه, کہ روزے دار اپنی شہوات نفس اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے, اسی لیے روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں, ایک فرحت افطار کے وقت کی اور دوسری فرحت اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی. ارشاد نبوی ہے ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك, اور روزے دار کے منہ سے آنے والے بو اللہ تعالی کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب, جو کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ اس میں بدکلامی کرے اور نہ دنگا فساد کرے. دوسری جگہ ارشاد ہے, فَإِن سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ, کہ اگر کوئی شخص روزے دار سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دے, بھائی میں روزے سے ہوں. ارشاد نبوی ہے, من افطر یوما من رمضان من غیر رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وان صامه, کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا اور بغیر کسی رخصت کے اور بغیر کسی مرض کے, تو اگر وہ ساری عمر کے روزے بھی رکھے تب بھی اس کی قضا پوری نہیں ہو سکتی. دختران اسلام, رمضان کی حقیقی عظمت و معرفت سے اللہ ہی بہتر واقف ہے. رمضان کی تمام عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں. اللہ کی مومن کے پاس یہ ایک امانت ہے. جس طرح نماز, حج اور دوسری عبادات کے موقع پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے, اس طرح سے اکثر روزوں میں یکساں توجہ باقی نہیں رہتی. بسا اوقات صائمین کی اپنی عبادت سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور اپنے صوم اور دوسروں کے صیام اور شہر رمضان کا دھیان و خیال ذہن سے اوجھل ہوتا رہتا ہے. زندگی کی مشغولیت میں روزے کی کرام, تتوع, خوف خدا و تقویٰ کی پاسداری ختم ہوتی رہتی ہے. آفس اور کام و تعلیم کی جگہ تقدیم صائم کو لازمی بنائیں. بعض خواتین اور بچوں میں رمضان کی فضیلت کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے ارکان خاندان کے روزوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے. ہوٹلوں میں کھلے عام کھانا, پارکوں, فاسٹ فوڈ سینٹرز, کلبس میں لغویات میں ملوث رہنا, ٹی وی سیریلز, راتوں میں ویڈیو فلمیں, تھیٹر میں فلمیں, ڈرامے دیکھنا, الیکٹرانک تفریح, انٹرنیٹ پر فحش, بے حیائی اور رذیلہ اخلاق والے سائٹس کی چیٹنگ کرنا, اختلاط مرد و زن, قریبی رشتہ دار لڑکے اور لڑکیوں اور مرد و خواتین کی بیروں کو ٹوپ ملاپ و ہنسی مذاق, بازار میں گہما گہمی, بار بار آؤٹنگ اور اس طرح کی تمام باتیں صوم اور صائم کے اکرام کے خلاف ہیں. یہ رمضان مبارک کی اہانت ہے اور روزے اور روزے داروں کا کھلا مذاق ہے. ان حرکات و مضر مصروفیات کی وجہ سے صائم رمضان کی خیر و برکات سے دور ہونے لگتا ہے اور توبہ استغفار, اذکار, تلاوت قرآن, تحفیظ قرآن, قیام اللیل, تعلق باللہ سب سے محروم ہو جاتا ہے اور اعمال خیر و حسنات سے غفلت برتنے لگتا ہے. جھوٹ, شغل خوری, غیبت, ریاکاری, نفاق, خیر کی باتوں سے انحراف, بدنظری, غصہ, کھیل کود, انڈور گیمز, پڑوسیوں ماتحتوں کو تکلیف دینا, مسلمانوں کی نجی معاملات میں تجسس کرنا, سب و شتم کرنا, بحث و تکرار وغیرہ تمام گناہ سے روزے دار بھٹک جاتا ہے اور رحمت و مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور رمضان روزہ باطل ہو جاتا ہے. ایسے روزے دار کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک و پیاس کی سوا کچھ نہیں ملتا. ایسے روزے دار جو لغویات اور بے فیض باتوں, منکرات و منہیات سے اجتناب نہیں کرتے, ان کے متعلق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روزے دار نے جھوٹ بولنا, جھوٹ پر عمل کرنا اور نادانی کے کام کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو کچھ ضرورت نہیں کہ ایسا شخص خام مخا روزے کے نام پر اپنے دن میں کھانا پینا چھوڑ دے. معزز سامعان, رمضان, روزے, نزول قرآن, لیلۃ القدر, قیام اللیل کا آپسی گہرا ربط و تعلق ہے. ان سب کا حاصل عمل تقویٰ, تطوع اور مغفرت کو تلاش کرنا ہے. کوئی کتنا بڑا گناہگار و عاصی اور فاسق کیوں نہ ہو, ہر نفس کے لیے اللہ معافی مغفرت کی ابواب کھول دیتا ہے. توبہ, رجوع اللہ اور مغفرت کے وسیع مواقع فراہم کر دیتا ہے.
रोजे का मकसद लअल्लकुम तत्तकून, तक्वा और परहेजगारी अख्तियार करना है। और जो कोई अल्लाह के लिए खौफ इलाहिया और खशियत इलाहिया अख्तियार करेगा वो उसके लिए खैर नजात है। फमन तदव्वा खैरन फहुव खैरुल लह, तक्वा तलब करोगे और तलाश करोगे तो ये तुम्हारे लिए खैर है। रमजान की सआदतों और बरकतों के साथ इस माह की अहमियत और फजीलत इसलिए भी बढ़ जाती है कि हर इबादत तक्वे का अमल है और हर तक्वा नजात, फला और मग़फ़िरत के दरवाजे खोल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने रमजान में सियाम, क़याम और लैलतुल क़द्र में इबादतें ईमान और एहतिसाब के साथ अदा की हैं, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत करेगा। रमजान के महीने का हर दिन रात, हर सुबह शाम अपने मासियात की माफी और तौबा और मग़फ़िरत के लिए इस्तिराब आमेज़ कोशिश बंदे मोमिन को मग़फ़िरत का मुस्तहिक बना देती है। जिन लोगों ने अपने नफ्सों पर ज्यादती की है और साल भर तमाम गुनाहों के शिकार हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए रमजान एक नेमत है। अल्लाह ताला फरमाता है, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, ये नबी आप कह दीजिए कि मेरे बंदो, जो अपने ऊपर जुल्म कर चुके हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह तो सब गुनाहों को माफ कर देगा, बिलाशुबा वो बड़ा गफूर रहीम है। रमजान में मोमिन आखिरत की तैयारी में तेजी पैदा कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान का लुब-ए-लुबाब ये है कि जो कोई ईमान और यकीन के साथ अपने नफ्स का एहतिसाब करे और फिर दिल की गहराइयों और पक्की अहद के साथ अपने गुनाहों, जुनूब, गलतकारियों, मासियत और सैयात से तौबा करे, गफूर रहीम उसकी मग़फ़िरत कर देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير, गुनाहों को बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला, सख्त अजाब देने वाला, बड़ा फजल वाला, उसके सिवा कोई मामूद नहीं, उसी की तरफ लौट कर जाना है। ततव्वु, खौफ और खशियत इलाहिया, कड़ा एहतिसाब और शदीद एहसास रमजान रोजे की हकीकी रूह मकसद को हासिल करने के लिए मुतहर्रिक रखता है। एक मोमिन अंजाम बद से बचने और फजल कबीर और फौजे कबीर के हुसूल के लिए रमजान में इस्तिग़फ़ार को अपना शियार और वस्फ बना लेता है। अल्लाह ताला जिस किसी को तौबा और इस्तिग़फ़ार और तक्वा की तौफीक इनायत फरमा दे, वो उसकी मेहरबानी, रहमत और फजल करम है। जो अल्लाह से मग़फ़िरत पाले, यही मोमिन के लिए फौज़ अज़ीम है। इससे बंदा मोमिन रमजान की सआदतों, फजीलतों और उख़रवी फौज़ फलाह का मुस्तहिक बन जाता है। और अब इस दुआ के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। मुबारक हो सबको मुबारक महीना, मुबारक हो सबको मुबारक महीना, बने सबकी खातिर ये जन्नत का जीना, इबादत की तौफीक ऐसी खुदा दे कि नाजिल हो बेचैन दिल पर सकीना। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। फी कल हुबुजा अमल इबा या खैरुजात या شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت لروحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب.